Greetings everyone. Today we will resume our chapter from short answer type questions, and the question number 1 is, and this is the chapter photosynthesis in higher plants. So we will start from the short answer type questions. The question number 1, succulents are known to keep their stomata closed during the day to check transpiration. How do they meet their photosynthetic carbon dioxide requirements? Succulent plants होते हैं बेटा जो dry condition में रहते हैं, ठीक है? Day time पे वो अपने stomata को close रखते हैं ताकि transpiration ना हो पाए. तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं. अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी, ठीक है? तो ऐसा क्यों? तो देखो, सकुलेंट प्लांट्स हैव वाटर कंजर्विंग टिश्यू एज दे हैव अडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर बिकॉज दे ग्रो इन जिरिक कंडीशन यानी ड्राई कंडीशन जहां पे पानी की कमी होती है. तो सकुलेंट प्लांट्स के अंदर वाटर कंजर्विंग टिश्यू होता है जो वाटर को कंजर्व करता है, और उसके पास कुछ अलग और भी मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आंसर क्या होगा? सकुलेंट प्लांट्स ग्रो इन ड्राई एंड जिरिक कंडीशन सो दे हैव टू शट डाउन द स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन. सो एंड द गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, CO2 की जो एंट्री है वो भी नहीं हो पाएगी. तो उसके लिए CO2 की फिक्सेशन के लिए उसने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि नाइट के टाइम पे CO2 को फिक्स कर लेते हैं मैलिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, और बाद में जब रात होती है तो देखो द प्लांट्स हैव डेवलप्ड द मैकेनिज्म टू फिक्स CO2 ड्यूरिंग नाइट इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड विच इज ए 4 कार्बन कंपाउंड एंड स्टोर CO2. और जब डे टाइम होता है तो मैलिक एसिड से CO2 रिलीज कर दी जाती है, और क्या किया जाता है फिर वो CO2 किस में चली जाती है? केल्विन साइकिल में. और क्या परफॉर्म करती है? क्या बनाती है उसे? शुगर बनाती है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट फॉर द लाइट रिएक्शन, वट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स? वट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स? एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या हैं और उनका क्या रोल होता है? तो जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एमिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, बल्कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की हेल्प करते हैं. क्या करते हैं? सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, चारों तरफ क्या इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए या तो 700 की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा या फिर 680, और ये जो बी क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड है, ये दूसरी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेंगे और किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को. फिर इनफ एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा, ठीक है? बट दे हेल्प इन हार्वेस्टिंग सोलर रेडिएशन एंड पास इट ऑन टू द क्लोरोफिल ए. दिस पिगमेंट इटसेल्फ एब्जॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन एट ब्लू एंड रेड रीजन. ये पिगमेंट जो है ब्लू एंड रेड रीजन की रेडिएशन को मैक्सिममली एब्जॉर्ब करता है. सो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स. और जो दूसरे क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, डू रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड डार्क रिएक्शन नीड लाइट? जो डार्क रिएक्शन होती है क्या उनको लाइट की रिक्वायरमेंट है? नहीं, उनको लाइट की रिक्वायरमेंट ना होकर के लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं? ATP, NADPH. डार्क रिएक्शन आर एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. CO2 इज रिड्यूस्ड थ्रू वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच डज नॉट नीड लाइट, बट दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH2. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिलेटेड टू ईच अदर?
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है बेटा। कैसे? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसमें एटीपी लगता है, एनएडीपीएच लगता है और हमारी क्या बनती है, शुगर मॉलिक्यूल बनता है और क्या रिलीज होती है बेटा, ऑक्सीजन। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, बाहर रिलीज होते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ये किसके बेटा, रेस्पिरेशन की इक्वेशन। तो दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, और बिना फोटोसिंथेसिस के तो रेस्पिरेशन होगी ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज नहीं बनेगा तो तोड़ेंगे किसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंटागोनिस्टिकली एक दूसरे से क्या होती है बेटा, रिलेटेड होती है। अब फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बन रहा है तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें ग्लूकोज टूट रहा है तो ये क्या बेटा, नहीं, ये है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स सिंथेसिस होना और कैटाबॉलिक मीन्स टूटना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट प्लांट मेटाबॉलिज्म, वन इज एनाबॉलिक एंड अदर इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। आंसर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर रिलेटेड एज इन बोथ मैकेनिज्म्स द प्लांट गेन एनर्जी। दोनों में क्या है, प्लांट क्या लेता है, एनर्जी। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट गेन एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, वेयर इज इन रेस्पिरेशन दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। यहां एनर्जी कहां से आ रही है, सनलाइट से, और यहां एटीपी हमें मिल ही रही है। तो दोनों केस में एटीपी प्लांट को गेन हो रही है। दे आर रिलेटेड ऑल्सो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज द ग्लूकोज यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन टू यील्ड एटीपी, विच डूइंग सो इट रिलीजेज मेनी अदर सिंपल मॉलिक्यूल लाइक सीओ टू एंड वॉटर विच आर यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस द मोर शुगर। अब यहां से सीओ टू एच वॉटर जो निकला है, दोबारा से फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज वापस से टूटेगा, तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ ग्रीन प्लांट इज कैप्ट इन डार्क विद प्रॉपर वेंटिलेशन, कैन दिस प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कैन एनीथिंग बी गिवन एज सप्लीमेंट टू मेंटेन इट्स ग्रोथ और सर्वाइवल। अगर एक किसी प्लांट को डार्क में रख दे, यानी कि सनलाइट नहीं है, और प्रॉपर वेंटिलेशन उसको दे दे, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए कौन सा सप्लीमेंट दे जो उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखे। सो द आंसर, द प्लांट इन गिवन कंडीशन कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बिकॉज लाइट इज मस्ट फॉर एनी ग्रीन प्लांट टू मेक इट्स ओन फूड। जब डार्क में ही रख दिया तो सनलाइट ही नहीं है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसे बनेगा और कैसे फोटोसिंथेसिस होगी। इसके सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, इसकी वाटरिंग बहुत अच्छे से जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अकर एट डिफरेंट डेप्थ इन द ओशन। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ओशन के डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे होते हैं, कोई मिड में होता है, कोई मिड से नीचे होता है, कोई उससे भी नीचे होता है, कुछ मिड से ऊपर होते हैं। डू दे रिसीव क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सेम लाइट। मान लो ये ओशन है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, क्या इन सभी को सेम क्वांटिटी मिलेगी लाइट की, क्या सेम क्वालिटी मिलेगी। How do they adapt to carry out photosynthesis under these conditions? इन कंडीशन में वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो देखिए, द मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग ऑन अर्थ इज परफॉर्म अंडर वॉटर बाई प्लांट स्पेशली एलगी प्रेजेंट इन द ocean. ओशन के अंदर स्पेशली एलगी क्या परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट प्रेजेंट एट वेरियस डेप्थ इन ओशन आर मोस्टली एलगी, दी शो ग्रेट वेरिएशन इन इट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ये वेरिएशन शो करती है, डिफरेंट डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीन टाइप की एल्गी होती है, ग्रीन, ब्राउन एंड रोडोफाइस। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है जो रेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब रेड एंड एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन होता है जो येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। रेडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए डी फाइकोइराइथ्रिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैनोपी इज थिक एंड शॉर्टर प्लांट्स ग्रोइंग बिलो इट,
receive filtered light, how are they able to carry out the photosynthesis? मान लो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये इनकी कैनोपी है, इनके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं और यहां से फिल्टर होके लाइट ही यहां तक पहुंचती है, डायरेक्ट नहीं पहुंचती, फिल्टर होके लाइट पहुंचती है। तो ये किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो देखिए, द प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट ओनली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट कैनोपी विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट रेट कुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड। तो डिपेंड करता है कि प्लांट को कितनी इंटेंसिटी की और क्या क्वालिटी मिल रही लाइट की, उस पर डिपेंड करता है उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, What conditions enable Rubisco to function as the oxygenase? Explain the ensuing process. Rubisco कब oxygenase की तरह काम करेगा? जब temperature high होगा और O2 की concentration भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये किसके अंदर दिखाई देता है बेटा? C3 plant के अंदर। C4 plant के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक special type की anatomy होती है, that is the Krebs anatomy। तो देखिए, Rubisco is largest occurring enzyme which is involved in the photosynthesis. Rubisco एक enzyme है जिसके दो nature हैं। एक वो carboxylase की तरह काम करता है जब CO2 की concentration ज्यादा होती है atmosphere के अंदर, लेकिन जब O2 की concentration ज्यादा होती है तो इसका nature बदल जाता है और कैसा हो जाता है? Oxygenase, क्योंकि oxygen के साथ bind करता है, तो जो क्या करता है, force करता है CO2 to enter C2 cycle, thus leading to the photo respiration and loss of carbon dioxide. CO2, O2 ज्यादा होगी तो कार्बन का लॉस होगा और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का रेट कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां एक प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन की, जिसमें कि रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की क्या कर लेता है, एक्टिविटी शो करता है। फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम स्पेसिफिक प्रोसेस है। ऑल एंजाइम एक्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और जिससे क्या होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस इज अ केमियोस्मोटिक फिनोमिना। हाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जब लाइट रिएक्शन होती है तो जो एटीपी की सिंथेसिस होती है कैसे, वो एक केमियोस्मोटिक फिनोमिनन है। देखो बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब होती है तब प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है। कैसे बनता है देखो, जानते हैं। केमियोस्मोसिस रेफर टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। This moment is coupled with the ATP synthesis in the thylakoid membrane. High concentration कहाँ होगी? Thylakoid के lumen में। Low concentration कहाँ होगी? Stroma में। तो proton lumen से stroma में जब move करेंगे तो किसकी formation होगी बेटा? ATP की। देखो, in light reaction plants trap solar radiation by photosynthetic pigment which convert light energy into chemical energy. Main event of light reaction is photophosphorylation. That is the formation of ATP from ADP and phosphate radical by using energy of excited electron movement through the electron transport chain. जब electron move करता है तो उसकी energy को use किया जाता है ATP को बनाने के लिए, जो कहाँ होता है? Thylakoid membrane. अब आते हैं chemiosmosis. ये क्या है? Movement of ions across a selectively permeable membrane down the electrochemical or proton gradient, जो मैंने अभी आपको समझाया। Chemiosmosis hypothesis of ATP formation was first proposed by the Michel in 1961, according to which the enzyme ATPase generate ATP via a membrane, proton pump and proton gradient. एक proton pump लगा होता है, ठीक है, उसके help से, और proton gradient. Proton pump क्या होते हैं? जो proton को धकेलते हैं, proton pump होते हैं. वो जो enzyme होता है ATP synthesis allow O2 proton to pass through the membrane and proton pump.
अब O2 भी बना था और प्रोटोन भी है, दोनों को पास कराने में कौन हेल्प करता है? एटीपी सिंथेस। कहां से पास कराने के? स्ट्रोमा में आने में, ल्यूमेन से स्ट्रोमा के अंदर भेजता है, एक रास्ता देता है उसको मूव करने का। इससे क्या होता है? दिस क्रिएट अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इन द ल्यूमेन एंड हेंस डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू एक्टिवेट एटीपीएस, रिलीजिंग एटीपी मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज रिलीज फॉर एवरी टू हाइड्रोजन पासिंग थ्रू द एटीपीएस। देखो क्या होता है, ये थायलाकोइड है, ये थायलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन है, ये थायलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन है, क्लियर है। अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है ये इलेक्ट्रॉन को भी मूव कराता है और स्ट्रोमा में से एक्टिवली यानी कि एटीपी को यूज करके स्ट्रोमा में से प्रोटोन कहां लेकर आता है? ल्यूमेन के अंदर। अब यहां से स्ट्रोमा के अंदर प्रोटोन कम हो गए, ल्यूमेन के साथ इंक्रीज हो गए, और हाइड्रोजन जो आयन है वो वाटर की स्प्लिटिंग से भी बनता है, उसके कारण भी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, बाहर कम है अंदर ज्यादा है, तो एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया। ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जब प्रोटोन आएगा तो क्या बनेगी बेटा? एटीपी। अब एटीपी सिंथेस एंजाइम है, ये एफ नोट पार्टिकल है, ये एफ वन पार्टिकल है, ठीक है। एफ वन क्या एटीपी सिंथेस की तरह काम करता है, वो एंजाइम जो क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। तो एटीपी सिंथेस O2 को भी मूव कराता है और प्रोटोन्स को भी क्या कराता है? अपने में से मूव कराता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट हाउ मेलविन केल्विन वर्कड आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर। कैसे उसने पूरा का पूरा पाथवे पता लगाया? तो उसने एक रेडियो आइसोटोप यूज किया था कार्बन 14, उसने प्लांट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और केल्विन साइकिल में जब भी ये कार्बन किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ता तो पता चल जाता कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो मेलविन केल्विन वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन 1961 फॉर डेवलपिंग द टेक्निक टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज सिंथेसिस इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसने ग्रीन एल्गा लिया था क्लोरेला एक्सपेरिमेंट मटेरियल के तौर पर, और उसको स्टडी करके उसने पता लगाया कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है फोटोसिंथेसिस का वो बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस पाथ को कैसे उसने ट्रेस किया? जब उसने एक रेडियो आइसोटोप लिया कार्बन 14, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो कार्बन होगा उसमें कार्बन 14 अगर ऐड होगा तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा क्या है कंपाउंड है, कौन सी टेक्निक से? ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स में क्या है, जो रेडिएशंस को ट्रेस कर लिया जाता है। देन कंपेयर द रेडियो एक्टिव कंपाउंड ऑन द क्रोमेटोग्राफ, एज अ रिजल्ट ओबीसी फाउंड एंड कंक्लूडेड दैट PGA एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रेजुअली द अदर शुगर इंक्लूडेड हेक्सोजेस टेट्रोजेस पेंटोजेस एटसेट्रा, इन शुगर्स के बारे में भी उसने पता लगा लिया। Thus, he derived the pathway of CO2 fixation from this radioactive products form. जो sugar बनी उसके अंदर जो C6 है ना उसमें कार्बन 14 जुड़ा हुआ है, तभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी sugar है। तो इस तरीके से उसने इसको path को trace किया। Question number 12, 6 turns of Kelvin cycle are required to generate one molecule of glucose. Glucose molecule में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, तो एक CO2 एक कार्बन को ऐड करेगा, दो को करेंगे और 6 कितने को करेंगे? 6। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और एक कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगा एक केल्विन साइकिल के अंदर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगा दूसरी केल्विन साइकिल के अंदर। तो इस तरीके से कितनी साइकिल परफॉर्म करनी पड़ती है? 6 केल्विन साइकिल परफॉर्म करनी पड़ती है। राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज ए 5 कार्बन कंपाउंड विच एक्सेप्ट एटमोस्फेरिक CO2 इन प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। 3 कार्बन कंपाउंड है ये 3 ATP को यूज करता है, 2 NADPH को यूज करता है, तब क्या बनता है बेटा? PGA बनता है। ऐसे ही जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे तो 6 कार्बन का ग्लूकोज बनेगा 6 साइकिल को फॉलो करके। तो अभी मैंने यही बात बताई आपको, ठीक है। इस प्रोसेस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, 18 ATP लगते हैं और 12 NADPH लगते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ द फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 है बेटा ये, फोटोसिस्टम 1।
फोटो सिस्टम वन कौन सा है? P700। ठीक है, यहां से क्या आएगी? सनलाइट आएगी, एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। देखो यहां से लाइट आएगी, लाइट आके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एक्साइट कर देगा, जिसको कौन रिसीव कर लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर यहां से क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? रिएक्शन सेंटर में चला जाएगा। तो ये एक साइकिल बन गई। तो ये कौन से प्रोसेस है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इन व्हाट काइंड ऑफ प्लांट डू यू कम अक्रॉस क्रैंस एनाटॉमी? टू विच कंडीशन आर दोस प्लांट बेटर अडेप्टेड? हाउ आर दिस प्लांट्स बेटर अडेप्टेड देन द प्लांट्स विच लैक दिस एनाटॉमी? बहुत बार बेटा यही पढ़ चुके हैं हम, इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तब से। क्या पढ़ रहे हैं? देखिए जो क्रैंस एनाटॉमी है वो C4 प्लांट के अंदर होती है। पहली बार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्यों होती है, किस चीज के लिए अडेप्टेड होते हैं? ताकि फोटो रेस्पिरेशन से बच सके। किसके अंदर ये नहीं होती एनाटॉमी? तो C3 प्लांट के अंदर नहीं होती। क्लियर है? किसके अंदर नहीं होती बेटा? C3 प्लांट के अंदर ये क्रैंस एनाटॉमी नहीं होती। क्लियर है? देखो क्रैंस एनाटॉमी के अंदर डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ठीक है, पहला मिलता है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, दूसरा मिलता है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना है तो क्या होगी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसके अंदर होती है? मेसोफिल सेल के अंदर। किसके अंदर क्या वेल डेवलप ग्रेना है, तो इफेक्टिवली क्या कर पाएंगे? वो CO2 को फिक्स कर पाएंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट इन लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, पीपी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? CO2 को फिक्स कर देगा और क्या बना देगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहां जाता है? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो किसके अंदर होते हैं? बंडल शीथ सेल। यहां पर उस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से CO2 रिलीज कर दी जाएगी और केल्विन साइकिल परफॉर्म होगी, क्योंकि बंडल शीट सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है। CO की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी CO2 की, तो रुबिस्को एक कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। C4 प्लांट आर वेल अडेप्टेड टू हाई O2 कंसेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। C4 प्लांट कैन एब्जॉर्ब CO2 इवन वेन द CO2 कंसेंट्रेशन इज मच लो। दिस C4 प्लांट कैन परफॉर्म हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इवन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड और देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर, दस दे कैन कंजर्व वॉटर। कहने का मतलब ये है कि अगर CO2 की कंसेंट्रेशन कम भी है, स्टोमेटा से CO2 भी नहीं आ रही है, फिर भी इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई रहता है, क्योंकि मेसोफिल सेल के अंदर PEP के साथ CO2 कंबाइन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाती है। वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बंडल शीत सेल के अंदर जाकर के CO2 को रिलीज कर देता है। ठीक है, सिंस PEP कार्बोक्सिलेज इनसेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, दस एक्सेस O2 हैज एस इनहिबिटरी इफेक्ट इन द C4 पाथवे एंड देर इज नो फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट। अगर O2 ज्यादा हो गई तो क्या है? PEP कार्बोक्सिलेज सेंसिटिव है इसके लिए, तो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। C4 प्लांट्स आर बेटर अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट एरिया देन द प्लांट दैट लैक द एनाटॉमी। ठीक है, तो C4 प्लांट ट्रॉपिकल और डेजर्ट एरिया के लिए वेल अडेप्टेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अ प्रोसेस इज अकरिंग थ्रू आउट द डे इन एक्स ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP, CO2 एंड वॉटर आर इवोल्व। इट इज नॉट अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है। देखिए बेटा ATP निकल रही है, CO2 निकल रही है, वॉटर नहीं, यानी कि रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन है। कौन सी प्रोसेस है? सेलुलर रेस्पिरेशन। कैटाबोलिक है, एनाबोलिक, टूट रहा है तो क्या होगी? कैटाबोलिक। कौन सी प्रोसेस होगी? कैटाबोलिक। रॉ मटेरियल क्या है? क्या है रॉ मटेरियल इसके लिए? ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, ऑक्सीजन। टूट के क्या बनाएगा? CO2, वॉटर एंड ATP। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जो किसके प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। टोमेटोज कैरेट्स चिलीज आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन पिगमेंट। नेम द पिगमेंट।
रेड कलर किसकी वजह से है बेटा? बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट्स। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं प्लांट के अंदर, प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस कराता है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि फूड को स्टोर करता है। तो रेड कलर किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ये एक तरीके का प्लास्टिड है जिसके अंदर कलर पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं होते, वो सिर्फ क्या देते हैं? कलर देते हैं। ठीक है, तो टोमेटो, कैरेट और चिलीज के अंदर लाइकोपिन पिगमेंट होता है जो कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डू वी बिलीव क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया टू बी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? अभी बताया था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, एक प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। कुछ इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बोथ द सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होते हैं, और ये डीएनए क्या कर सकता है? अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, व्हेन सेल नीड मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बना देगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्या है? C4 पाथवे है, क्योंकि देखो यहाँ C4 एसिड बन रहा है, C4 पाथवे है, तो क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर ए, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट दीज टू टाइप ऑफ सेल? तो C4 के अंदर होते हैं जैसे कि मोनोकोट प्लांट्स, ग्रामिनी और पोएसी फैमिली से, शुगर केन, मेज, इनके अंदर दो टाइप की सेल होती है, बंडल शीट सेल और मीजोफिल सेल, जिसके अंदर स्पेशल एनाटॉमी है क्रैंस एनाटॉमी। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है C4 में? चार कार्बन का कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विच एंजाइम इज देयर इन बंडल शीट सेल एंड मीजोफिल सेल? बंडल शीट सेल के अंदर तो कौन सा होगा? PEPKs नहीं, इसके अंदर होगा रुबिस्को, और मीजोफिल सेल के अंदर होगा PEPKs। क्लियर है? तो मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा है? पीईपी कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बंडल शीट सेल के अंदर RUBP कार्बोक्सिलेज होगा, जो CO2 को फिक्स करके 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, दैट इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, अ साइक्लिक प्रोसेस इज अकरिंग इन C3 प्लांट। एक साइक्लिक प्रोसेस चल रही है C3 प्लांट के अंदर, विच इज लाइट डिपेंडेंट एंड नीड्स O2। This process does not produce energy, rather it consumes energy. तो कौन सी चल रही है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन चल रही है। जब O2 रिक्वायर्ड है तो फोटो रेस्पिरेशन होंगी, तो कैन यू नेम द गिवन प्रोसेस? फोटो रेस्पिरेशन। इज इट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल? इट इज नॉट नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ C3 प्लांट, बल्कि ये कार्बन को लॉस कर रहे तो हार्मफुल है। एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं इसके? H2O2 परऑक्साइड। वेयर डज इट अकर? तीन ऑर्गेनेल के अंदर होता है ये, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड परोक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यूफोर्बिया एंड मेज आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ देम डू यू थिंक विल बी एबल टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशन? मेज और यूफोर्बिया में से कौन सा ट्रॉपिकल एरिया में सर्वाइव कर पाएगा? यूफोर्बिया एक कैम प्लांट है, इट फिक्स CO2 ड्यूरिंग नाइट एंड यूजेस इट इन डे टाइम। वही है मैलिक एसिड की फॉर्म में, रात के टाइम पे CO2 को ट्रैप कर लेगा और डे टाइम पे इसको रिलीज करके फोटोसिंथेसिस कर ली जाएगी कैल्विन साइकिल से। तो ये हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर क्या हो सकता है बेटा? सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, विच वन ऑफ देम इज मोर एफिशियंट इन टर्म ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी? जो मेज क्या है? C4 प्लांट है, तो उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा CO2 लेवल बढ़ेगा और क्या होगा? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक आर देयर इन द लीफ एनाटॉमी? लीफ एनाटॉमी में क्या? मेज प्लांट क्या? एक C4 प्लांट है जिसके अंदर स्पेशल एनाटॉमी होती है क्रैंस एनाटॉमी, जिसके अंदर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं मीजोफिल सेल के अंदर, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं बंडल शीट सेल के अंदर, और यूफोर्बिया के अंदर C4 साइकिल नहीं होती तो क्रांस एनाटॉमी भी उसके अंदर नहीं मिलती है। तो ये थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 20 क्वेश्चंस।
बहुत कोशिश की है आपको एक एक चीज समझाने की, एक बार दोबारा से पढ़िएगा बेटा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।